हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। भारतीय टीम को एडिलेड टेस्ट मैच खेलना है, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा चल रहा है। पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है, लेकिन अब टेंशन बढ़ चुकी है। टेंशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब रोहित शर्मा जो नियमित कप्तान है, उनकी हो चुकी है वापसी। अब जाहिर सी बात है, वो वापसी करेंगे तो टीम में कुछ बदलाव तो होंगे। वो सेम प्लेइंग 11 तो नहीं खेलेंगी और कुछ बदलाव जरूर टीम में देखने को मिलेंगे। अब क्या हो सकता है वो बदलाव, किसका नंबर कटेगा, किसको मौका मिलेगा, तमाम सारे सवाल हैं। टीम इंडिया को लेकर भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं कि भाई टीम इंडिया फिलहाल क्या कर रही है, क्योंकि एडिलेड टेस्ट मैच से पहले कैनबेरा में भी दो दिवसीय प्रैक्टिस टेस्ट मैच होना है, उससे जुड़ी भी कुछ अपडेट्स हैं। ये तमाम चीजें आज के इस शो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथी दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अपडेट के जरिए बताते हैं कि क्या है मामला और क्यों टीम इंडिया की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि पर्थ का हीरो कहीं एडिलेड में बाहर ना हो जाए, इस पर लगातार सवाल जो है वो बना हुआ है। एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम में टेंशन है टेस्ट मैच से पहले ही, और रोहित की वापसी के बाद कौन प्लेइंग 11 से बाहर हुआ, ये बड़ा सवाल जो है वो लगातार चल रहा है। क्या केएल राहुल होंगे प्लेइंग 11 से बाहर? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कुछ बयानबाजी भी हुई है, प्रेस से मीडिया से बातचीत भी हुई है, इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं और इस पर हम चर्चा करने जरूरी है हमें, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली थी। पर टेस्ट मैच की बात करें तो केएल राहुल ने शानदार पारी खेली थी। पहली पारी में 24 और दूसरी पारी में 77 रन की पारी खेली, और पहली पारी में भी 24 जो मारे थे वो गलत तरीके से आउट दिए गए थे। बहुत विवादित आउट था, डिसीजन था, और काफी सारी गेंदे उन्होंने खेली थी, टेक्निकली बड़े साउंडेड लगे जो भी 70-80-90 गेंदे पहली पारी में भी खेली थी। तो सवाल यही रहेगा कि भाई केएल राहुल की जगह तो कहीं प्लेइंग 11 से नहीं चली जाएगी, क्योंकि आगे आपको बताएंगे कि कुछ बातचीत भी हुई है और इसी की वजह से हम इन चीजों पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मामला क्या है, क्यों है, कैसे है। दीपेश, सबसे पहले तो मुझे तो नहीं लगता है कि केएल राहुल की जगह नहीं बनती है इस प्लेइंग 11 में। आप उनको एडजस्ट जरूर कर सकते हैं, वन डाउन बुला सकते हैं, उनकी पुरानी पोजीशन नंबर 5 पे बुला सकते हैं। जिस तरीके से, मैं एकदम कंप्लीटली टेक्निकल टर्म में जाना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो उतरे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ गेंदे उन्होंने फेस की, नई बॉल फेस की, मैं तो सबसे बेहतरीन अगर बल्लेबाज पूरे दोनों पारी मिला के अगर कोई रहा तो वो केएल राहुल थे इस टेस्ट मैच में। नंबर ऑफ बॉल्स खेलने के हिसाब से भी मैं तो उनको प्लेइंग 11 से कभी ना बाहर करूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, ये बात आपकी सही है कि रोहित शर्मा वापस आते हैं तो नंबर जरूर उनका एडजस्ट हो जाएगा। आपको वो ओपनिंग करते हुए तो डेफिनेटली नजर नहीं आएंगे, लेकिन नंबर 3 की पोजीशन अभी भी खाली है। याद रखनी चाहिए ये बात कि अभी भी शुभमन गिल इंजर्ड है और डॉक्टर्स से उनको क्लियरेंस अभी दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का भी नहीं मिला है, तो नंबर 3 आपके पास खाली है। लेकिन दिक्कतें शुरू कब होंगी? जब शुभमन गिल भी वापस आ जाएंगे और रोहित शर्मा भी इस टीम का हिस्सा होंगे, तब आप केएल राहुल को कहां फिट करेंगे? फिर होगा यही, आप ध्रुव जुरेल को बाहर बिठा सकते हैं, उनकी जगह देवदत्त पड़ीकर और ध्रुव जुरेल बाहर बैठेंगे, लेकिन केएल राहुल तब भी खेलेंगे। अब इसमें रोल चेंज हो जाता है, अगर केएल राहुल डाउन द ऑर्डर जाते हैं जहां ध्रुव जुरेल खेलते हैं, जैसा भी आपने बताया कि 5-6 नंबर जो उनके ओरिजिनल पोजीशन है, तो उस पर भी बड़ा क्रूशियल है। वहां ना सिर्फ आपको पुरानी गेंद खेलनी होती है, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा होता है 80 ओवर के बाद जब गेंद नया आता है तो वो आपको फेस करना होता है उस पोजीशन पे, तो उसके लिए भी केएल राहुल एकदम बेहतरीन बल्लेबाज है, तो बाहर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने रन्स के बाद भी अगर बाहर हो जाएंगे तो फिर उनके लिए थोड़ी सी खराब बात होगी, लेकिन नहीं होगी, ये बात पक्का है। देवदत्त पड्डीकल की जगह आएंगे शुभमन गिल, अगर शुभमन गिल खेले तो, और ध्रुव जुरेल की जगह नीचे शिफ्ट हो जाएंगे आपके केएल राहुल, चूंकि ऊपर अगर देवदत्त पड्डीकल नहीं खेलेंगे अगला टेस्ट मैच, ये तो पक्का ही है, तो उनकी जगह केएल राहुल खेलेंगे। अगर शुभमन गिल नहीं आते हैं तो केएल राहुल का तो भाई इतना वर्सेटाइल रोल है, वो कहीं भी खेल सकते हैं, 3 भी खेल सकते हैं, 5 भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, तो ये उनके साथ थोड़ी अच्छी बात है कि वो अपने आप को बाउंडेशंस में नहीं रखते कि मैं सिर्फ नई गेंद खेल सकता हूं या पुरानी खेल सकता हूं या ये मेरा पोजीशन है, मेरे को इसके बिना नंबर रन नहीं बनते। ये चीज़ इनके साथ अच्छी है, जहां भी खेलेंगे रन स्कोर कर लेंगे। बिल्कुल जी, अच्छी बात है, जहां खेलेंगे रन स्कोर कर लेंगे। लेकिन इशारों में जो है केएल राहुल ने बहुत कुछ बयां कर दिया है। क्या है पूरा मामला? मीडिया से बातचीत हुई है, इंटरेक्शन हुआ है, उसमें क्या कुछ निकल के आया है? केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से बात की है, क्या है पूरा मामला वो भी आपको दिखाते हैं। केएल राहुल ने इशारों में मैनेजमेंट से सिफारिश की है। सिफारिश किस बात की? कि भाई मुझे प्लेइंग 11 में मेरी जगह पक्की होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मीडिया से बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि एडिलेड में मुझे मौका मिलेगा। अब एक खिलाड़ी के तौर पर दीपेश, साफ साफ अगर कोई खिलाड़ी ये बोल दे कि भाई मुझे उम्मीद है कि एडिलेड में मुझे मौका मिलेगा, तो ये बड़ी बात है। एडिलेड टेस्ट के बारे में समय आने पर सोचेंगे, उन्होंने ये बात इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा कही। उन्होंने कहा कि रोहित ही पारी की शुरुआत करेंगे, वो वापसी कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है। उनका बयान भी दिखाइए कि केएल राहुल ने एग्जैक्टली मीडिया से बातचीत में क्या कहा, उसके बाद दीपेश से बात लेते हैं, उनकी राय लेते हैं कि भाई अगर एक खिलाड़ी ये बोल दे तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है या किस तरीके से इस बयान को लेना चाहिए। बयान दिखाइए केएल राहुल का और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से केएल राहुल ने अपने बयान में बोला, उन्होंने कहा कि भाई
स्वाभाविक है कि रोहित पारी की शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि कप्तान और कोच ने तय कर लिया होगा। हम वर्तमान पर फोकस कर रहे हैं, एडिलेड टेस्ट के बारे में समय आने पर सोचेंगे, लेकिन उम्मीद है कि उसमें मुझे खेलने का मौका मिलेगा। दीपेश, बेसिक तो वही बातें हैं कि एडिलेड टेस्ट जब आएगा तो देखेंगे, अभी तो बहुत सारे दिन बचे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर एक खिलाड़ी लास्ट लाइन पे उनके मैं फोकस करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे मौका मिलेगा, ये खिलाड़ी अगर केएल राहुल की तरफ से बयान आ रहा है तो इसको कितना किस तरीके से लेना चाहिए, मतलब एज ए मैनेजमेंट आप क्या सोच रहे हैं और केएल राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस बयान के बाद? यार ये वैसे हालांकि मैंने वो वीडियो देखा, थोड़ा मजाकिया अंदाज में उन्होंने ज्यादा कहा था ये बात, लेकिन फिर भी मतलब हाँ, मतलब जो हमने अभी सवाल पूछे कि केएल राहुल की जगह कैसे बनेगी अगर रोहित आ जाएंगे शुभमन गिल आ जाएंगे तो जगह केएल राहुल के आने वाले समय में कैसे बनेगी, तो मैंने अभी आपको सिनेरियो समझाया है। अगर रोहित आते हैं तो नंबर 3 पे शिफ्ट होंगे केएल राहुल, और अगर शुभमन गिल भी लौट आते हैं तो फिर नंबर 5 या नंबर 6 पे जहां ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे थे वो नंबर 5 या 6 की जगह है, वो 6 पे 5 तो ऋषभ आते हैं, नंबर 6 पे केएल राहुल फिर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनकी जगह कहीं नहीं जा रही है, इतने रन करने के बाद वो टीम से कहीं बाहर नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छी हेल्दी टेंशन है कहीं ना कहीं केएल राहुल के दिमाग में। हर प्लेयर इतना अच्छा स्कोर करने के बाद खेलना चाहता है, चाहे वो एडिलेड में मैच हो या फिर ब्रिस्बेन में हो या फिर सिडनी में हो, गाबा में हो, जहां भी ये मैच हो वहीं पे मतलब हर कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है इतने रन स्कोर करने के बाद, और केएल राहुल के पास तो अब फॉर्म मिली है, अच्छा मौका होगा आने वाले टाइम में उनके पास अच्छे रन करने का। ऑस्ट्रेलिया में रन करने से आपको टीम में आपकी जो जगह है ना वो बिल्कुल सॉलिड हो जाती है अगले 2-3 साल के लिए, तो अब रन आ रहे हैं तो खिलाना चाहिए, ऐसी फॉर्म से बाहर नहीं बिठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ध्रुव जुरेल को इनके ऊपर प्रेफरेंस मिलने वाली है नीचे डाउन द ऑर्डर, नहीं मिलने वाली, और जाहिर सी बात है दीपेश मुझे लगता है कि मतलब आज की डेट में अगर कोई क्राइसिस मैन है वाकई में असल मायने में तो वो केएल राहुल ही है, चाहे व्हाइट बॉल का फॉर्मेट हो चाहे रेड बॉल का, जहां आप उनको बोलते हैं वहां वो खिलाड़ी खेल रहा है। पिछले कुछ समय से फॉर्म से बाहर थे लेकिन हाल फिलहाल में दीपेश अच्छा प्रदर्शन किया है, और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की शुरुआत मिली है पहले टेस्ट मैच में जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए, मुझे लगता है कि बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, उनकी जगह तो बिल्कुल ही बनती है टीम में। और देखिए रोहित शर्मा भी आ रहे हैं वापस और प्रैक्टिस जरूर कर लिए, लेकिन मैच टाइम मैच अवेयरनेस अलग चीज होती है, एकदम से आके पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलना और उसमें स्कोर करना, मुझे लगता है कि परफेक्ट जगह की अगर बात करें तो मैं तो मानूंगा कि ध्रुव जुरेल को शायद आप भले रख लें टीम में, लेकिन देवदत्त पडिकल की जगह केएल राहुल को तीन पे फिक्स करना। मैंने उसके लिए बताया ना, मैंने उसके लिए रीजन दिया कि ध्रुव जुरेल की जगह केएल राहुल तब जाएंगे जब शुभमन गिल भी आ जाते हैं, अगर शुभमन गिल वापस नहीं आते हैं भाई, अगर शुभमन वापस आते हैं तो नंबर 3 के लिए अल्टीमेटली वही आपकी जगह कहीं ना कहीं फिक्स करेंगे अपने आप को, मतलब वहीं खुद को पाएंगे 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अगर शुभमन गिल नहीं होते हैं तो 3 नंबर पे डेफिनेटली केएल राहुल खेलेंगे। मतलब एक तो पिंक बॉल इतनी आसानी से पुराना होता नहीं है कि उसको मार लिया 12-15 ओवर तो पुराना हो गया, वो लंबा चलता है, 40-50 ओवर के बाद भी उस पर ठीक ठाक शाइन होती है एक साइड, तो दिक्कतें आएंगी इंडियन टीम को, तो ऐसे में एक भैया सेवियर चाहिए, विराट को भी तो साथ खिलाने के लिए एक बंदा चाहिए, तो केएल राहुल उसके लिए परफेक्ट इंसान है, वो 3 नंबर पे वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, वो काम कर सकते हैं, और करेंगे नहीं करेंगे, किस पोजीशन पे खेलेंगे, क्या होगा, इसीलिए ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि पर्थ का हीरो कहीं एडिलेड में बाहर तो नहीं बैठ जाएगा, ये सवाल बना रहेगा, और इस पे जो भी अपडेट्स आती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि भाई क्या है पूरा मामला और क्या आपको लगता है कि केएल राहुल की जगह टीम से बाहर बनती है, क्योंकि जिस तरीके से खेला मुझे तो लगता है उनकी जगह परफेक्ट बनती है नंबर 3 पे, फिलहाल जो टीम का सिनेरियो जिस तरीके से बना है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखिए भारतीय टीम की अपडेट देते हैं आपको। भारतीय टीम एडिलेड तो नहीं पहुंची है क्योंकि वो 6 तारीख से वहां पे टेस्ट मैच शुरू होना है, लेकिन उसके पहले भारतीय टीम 2 दिवसीय अभ्यास मैच के लिए कैनबेरा पहुंच चुकी है। कैनबेरा टीम पहुंची, 3 घंटे फ्लाइट लेट भी थी, और चूंकि थोड़ा लेट पहुंची टीम उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हुआ, और आज जो है वो कैनबेरा में टीम इंडिया का भव्य स्वागत भी हुआ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से टीम इंडिया की मुलाकात हुई है, बहुत गर्मजोशी के साथ से मुलाकात हुई। बुमराह और विराट कोहली के तो खासकर मुरीद हो गए एकदम ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है एंथनी एल्बनीज, और 30 नवंबर से ये 2 दिवसीय मैच शुरू होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है दीपेश, जैसे हम लोग एनसीआर रीजन कहते हैं इंडिया में, नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ही वहां पे एसीआर होता है, और उस एरिया में वो कैनबेरा उस एरिया में आता है क्योंकि वहां कैनबेरा तो कैपिटल भी है ना। एग्जैक्टली, वहां पे जाहिर सी बात है आपकी प्रधानमंत्री रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी जगह है वो ऑस्ट्रेलिया के, अगर जियोग्राफिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में नजर डालें तो। वहां पे भारतीय टीम पहुंची, प्रैक्टिस करनी थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाई क्योंकि टीम बहुत लेट पहुंची थी, और उसके बाद टीम ने उस समय को यूटिलाइज किया रेस्ट करने में। रेस्ट करने के बाद जो है पीएम एंथनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के, उनसे मुलाकात हुई, और वहां पे उस मतलब उसमें क्या बातें निकल के आई ये तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जान सकते, लेकिन जिस तरीके के विजुअल्स आए, जो सूत्रों के हवाले से चीजें समझ में आई कि भाई विराट कोहली के काफी बड़े फैन नजर आए वो, और विराट और जसप्रीत बुमराह के साथ तो उनकी जो कन्वर्सेशन थी बहुत बेहतरीन नजर आई। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए दीपेश, किस तरीके के विजुअल्स जो हमने
में देखे क्या समझ में आता है किस तरीके के, और इससे एक और चीज समझ में आती है दीपेश की, पॉलिटिकली भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते भी कैसे हैं, पीएम मोदी के एंथनी अल्बनीज के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं जितने गर्मजोशी से उन्होंने भारतीय टीम का स्वागत किया भव्य तरीके से, उससे तो यही चीजें समझ में आती हैं। और भाई बड़ी बात भी है ना, विराट कोहली अब एक ग्लोबल स्टार हो गए, मतलब बहुत सी ऐसी जनता है। अब आप ये देखो ना, ग्लोबल स्टार भी कितना बड़ा है, वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन बुमराह को तो चूंकि भाई मिलना ही चाहिए वो रिकॉग्नाइजेशन जिस तरीके का प्रदर्शन उनका है, लेकिन विराट बीइंग विराट यार, विराट की पूरी दुनिया फैन है, ये चीज़ बहुत अच्छे से, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई बच्चा है, आम फैन है या फिर कोई भी है, आम हम हैं, आप हैं, इसके अलावा और भी जो भी कोई यहाँ पे मौजूद हमारे रूम में फिलहाल अगर बात की जाए किसी की भी, चाहे कोई कैमरा पर्सन है, चाहे कोई टीम है, सब विराट कोहली के फैन है, इस चीज़ से पता लगता है। और ये क्योंकि एक इसमें ना, ये एक इज्जत कमाने के लिए बहुत सारा समय उन्होंने बिताया भी है, 15-17 साल लगातार एक खेल पर राज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो विराट कोहली ने लंबे समय तक करके दिखाया है, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी के साथ वो काम किया है, वही कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब ये पीएम तो अपने भी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी फैन है विराट कोहली के, अभी रिसेंटली जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उसके बाद काफी सारी वीडियोस और इंस्टाग्राम पे 271 मिलियन, टू बी स्पेसिफिक 271 मिलियन फॉलोइंग है। अब ये वही इंस्टाग्राम पे वही वाला सीन हो गया कि क्रिकेट से विराट कोहली नहीं जाने जाते, विराट कोहली से क्रिकेट जाना जाता है। और जाहिर सी बात है दीपेश, मतलब मुझे तो आप सबको ये बात तो पता ही होगी, अगर नहीं भी पता है तो आपको बताना मेरा फर्ज है। देखिए विराट कोहली की वजह से IOC जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, उसका ऑफिशियल बयान है ये कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी को देखने के बाद हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि 2028 जो LA ओलंपिक होगा उसमें हम क्रिकेट के गेम को शामिल करना चाहते हैं। जबकि विराट वो खेलेंगे भी नहीं। अब 2028 में अभी 4 साल हैं और 4 साल बाद बिल्कुल जाहिर सी बात है हो सकता है खेले भी, तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे ना, T20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं वो, T20 फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट ही होगा तो बिल्कुल उसमें खेलना तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए एक खिलाड़ी की पॉपुलैरिटी किस हद तक है, कितनी सीमा है उस चीज की, और कितने बड़े ग्लोबल स्टार विराट कोहली बन चुके हैं कि एक खिलाड़ी की वजह से एक गेम को ओलंपिक में इंक्लूड किया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। और बिल्कुल जो दीपेश अपनी बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा आप अपनी बात कंटिन्यू करें। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, आपने बिल्कुल सही बात बताया कि ओलंपिक्स में भी जहां जाके एक बंदे के नाम का प्रचार हो रहा है, मतलब खेल कोई और खेलेगा, खिलाड़ी कोई और होंगे, लेकिन प्रचार किसके नाम से हो रहा है, विराट कोहली के नाम से। जितने भी बैनर छप रहे हैं BGT आप देख लो, ये वैसे कहना थोड़ा गलत होगा लेकिन जो सच है वो टेक्निकली तो जो सच है वो है, 22 खिलाड़ी खेलते हैं एक मैच को, 11 एक टीम के, 11 दूसरी टीम के, पूरी BGT इतनी बड़ी सीरीज है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने आप में, बॉर्डर गावस्कर मतलब एलन बॉर्डर खुद कितने बड़े प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद फिर आप बात करेंगे सुनील गावस्कर की, खैर गावस्कर साहब से तो बैटिंग जानी जाती है late 80s या 80s के पहले के टाइम की बात अगर हम की जाएँ तो, उससे उनका जो दबदबा था वो वर्ल्ड क्रिकेट में था, लेकिन सब कुछ अलग है। और फिर एक लड़का, एक अलग, एक वेस्ट दिल्ली का जो लड़का है उसके दम पे पूरे ऑस्ट्रेलिया अखबार चल रहे हैं वहाँ के, अब वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो आउट हो रहा है, सेंचुरी कर रहा है, ग्राउंड में नाच रहा है, किसी से मिल रहा है, कोई और सेंचुरी कर रहा है, तो भी उसका क्रेडिट उसको जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी, और शायद इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक हैं इस बंदे के, उस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट, मतलब किसी के भी नहीं है पूरी दुनिया में, ये अपने आप में बताता है कि, और अच्छे प्लेयर्स को देखो अच्छी कंट्रीज रिकग्नाइज करती हैं। अब ये पाकिस्तान देखिए कितने बार कहता है कि अगर यहाँ पाकिस्तान में विराट कोहली खेलने आएंगे तो पलकों पर रखेंगे बिठा के, विराट कोहली है भैया, ये बात बार बार मैं कहता हूँ कि किसी की खबरें बिक रही हैं विराट कोहली से, किसी की हेडलाइंस बिक रही हैं विराट कोहली से, किसी का तो क्रिकेट ही बिक रहा है विराट कोहली से, और कितने इवेंट्स और कितने पाकिस्तान में तो सारे YouTube चैनल्स ही चल रहे हैं विराट कोहली के नाम पे। बिल्कुल सही बात है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है कि भाई हमारे देश का और अपनी कैपिटल दिल्ली से जाने माने वाले उसके लिए बहुत मेहनत की हुई है यार। वो और विराट कोहली की इतनी बात अब हो ही रही है तो उनका एक रिकॉर्ड भी बता देते हैं आपको कि पिंक बॉल टेस्ट मैच शुरू होगा उससे पहले विराट एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड जाहिर सी बात है विराट कोहली जैसे बल्लेबाज के लिए तो अब भी बहुत नॉर्मल सी बात हो गई कि हर मैच जिसमें उतरते हैं रिकॉर्ड कोई ना कहीं उनके नाम हो ही जाता है। लेकिन जो दीपेश ने एक लाइन बोली उसी पे आते हैं, विराट कोहली एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ एवर एंडिंग लव स्टोरी, मतलब ये एक पैरेलल लाइन है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, लगातार पैरेलली साथ साथ में चलती रहेंगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और विराट कोहली। क्या है ये आंकड़ा ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए और उसके बाद उस पर दीपेश की राय लेंगे। दीपेश तो खैर बहुत बड़े फैन हैं विराट कोहली के, इतिहास रचने के काफी करीब है विराट कोहली। क्या है पूरा मामला, पिंक बॉल टेस्ट में बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड ये है कि भाई 43 रन अगर एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली बना लेते हैं तो उनके इसी मैदान पर दीपेश 1000 रन पूरे हो जाएंगे। एडिलेड में अब तक 11 मैचेस खेले हैं, क्रॉस ऑल फॉर्मेट्स अगर आप बात करें 73.61 की औसत। दीपेश अब इसके बारे में तो आप ही से राय लूंगा मैं, 957 रन बन चुके हैं 11 मैचों में, 73.61 की औसत है। एडिलेड में 3 शतक हैं और 1 अर्धशतक है अक्रॉस फॉर्मेट की अगर बात करें। 4 टेस्ट मैच की अगर बात करते हैं पर्टिकुलरली, 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 692 के आसपास रन केवल टेस्ट मैच में है। 43 रन बनाते ही दीपेश किसी एक मैदान पर ही इतना रिकॉर्ड बना लेना, वो भी तब जब आपका होम कंडीशन का मैदान नहीं है कोई,
विदेशी जमीन का ऑस्ट्रेलियाई मैदान है और वहां पे इतना बड़ा दबदबा, मतलब सैंपल साइज ठीक ठाक है अगर आप केवल एक मैदान के मैचों की बात करें। कितना पसंद है दीपेश विराट कोहली को एडिलेड का ये मैदान? बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है यार, ये आंकड़े देख के तो पता लगता है कि आंकड़े तो दुनिया के बहुत से मैदानों में ऐसे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैदान है ना, ये बात ये है, ऑस्ट्रेलिया के मैदान में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से ज़्यादा अच्छे आंकड़े रखना आपको थोड़ा अच्छा फील कराता है। यही चीज़ बताती है कि क्यों किंग किंग है, मतलब क्यों विराट कोहली एक किंग है, क्यों उनको बादशाह कहा जाता है इस खेल का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इतना शानदार रिकॉर्ड, मतलब ये खाली टेस्ट की बात नहीं है, अगर आप ओडीआई में भी देखेंगे, इसके अलावा आप अगर टी20 में भी देखेंगे, एडिलेड में तो बहुत रन किए हैं यार, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको पसंद है। थोड़ा सा यही है कि हमारी एक वो टेंशन वाली बात है, जो पिछली बार 36 पे ऑल आउट हुए थे तो विराट कोहली उसी टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार यार नहीं, वो चीज़ मुझे अंदर से एक बड़ी, कहते हैं ना कि आपको एक फीलिंग आती है, गट फीलिंग आती है, इंडिया धोएगा इस बार ऑस्ट्रेलिया को पिंक बॉल टेस्ट में। ऑस्ट्रेलियन टीम अपना दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच हारने जा रही है, भले ही कितनी ही तगड़ी टीम हो दुनिया की, लेकिन इस बार इंडिया खेलेगा यार, लग के खेलेगा। जो 36 का जो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड था, 36 का जो एक आंकड़ा था, उसकी वजह से जो बेइज्जती पूरी दुनिया भर में झेलने को मिली थी, उसका बदला भी लेना है। और ऑस्ट्रेलिया से तो चुन चुन के बदला भारतीय टीम 2023 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार ले रही है, मौका एक भी नहीं छोड़ रही है, जहां मिल रहे हैं वहीं मार रहे हैं, इनको मारना भी चाहिए। देखिए, और खैर विराट कोहली की बात हो रही थी, विराट कोहली के नाम पे तो पेपर भी है, बिल्कुल कप्तान रोहित शर्मा है, लेकिन जो पेपर आ रहे हैं उसमें फोटो विराट कोहली की रह रही है। सब छोड़िए दीपेश, मैं कहता हूं फॉक्स क्रिकेट, जैसे ही दिन का मैच खत्म हुआ, विराट कोहली सेंचुरी मारे, पारी डिक्लेयर होती है और इट वाज जस्ट नॉर्मल डे, कि एक खिलाड़ी की सेंचुरी का वेट हो रहा था, जैसे सेंचुरी हुई कप्तान ने डिक्लेयर कर दिया, नॉर्मल सारे खिलाड़ी वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से एडम गिलक्रिस्ट माइक लेके दौड़े हैं, विराट विराट विराट, जस्ट वन रिएक्शन, एक रिएक्शन लेने के लिए, उससे पता चलता है कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी विराट कोहली कितना बड़ा ब्रांड है। और बिल्कुल विराट कोहली बिकता है, कप्तान कोई हो, और अभी सोचिए विराट फॉर्म में भी नहीं थे इस टेस्ट मैच के पहले, तब इतनी हाइप थी, अगर गलती से इस फॉर्म में आ जाते और वापसी करके, तब तो पहले टेस्ट मैच में क्या हाइप होती, और अब जब ऑलरेडी फॉर्म में आ चुके हैं, पर्थ में एक शतक लगा दिया है, तो किस तरीके की हाइप है। मतलब विराट कोहली सुपर स्टार जिसको आप बोलते हैं, ग्लोबल स्टार जिसको बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल बन चुके हैं। बहुत मुश्किल होता है यार वहाँ तक पहुँचना, मतलब खिलाड़ी बहुत होते हैं, बातें बहुत होगी होती हैं, स्टीव स्मिथ की होती है, जो रूट की होती है, बाबर आजम की होती है, चलिए बात कर लेते हैं, एक देश तो कम से कम ये मानता ही है कि वो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन इस तरीके का ऑरा मेंटेन करना कि जहाँ कदम रख दूँ वहीं तबाही मचा दूँ, भाई वो वाला सीन तो सिर्फ विराट के साथ है। पब्लिक बल्ला बंदा थामता है, एक साल अगर सेंचुरी लगाता तो एक साल के बाद भी जब टीवी खोल के लोग बैठते हैं तो तब तक निहारते हैं जब तक वो आउट नहीं हो जाते। बिल्कुल, अब जब तक जितना भी खेलें और उस पर जब सोने पर सुहागा होता है कि पर्थ के मैदान में एक सेंचुरी आ जाए किसी बल्लेबाज की ओर से, तो यार बड़ा कहते हैं ना एकदम क्लच हो जाता है, एक क्रिकेट फैंस को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस यही है कि जो अपनी एक ट्रॉफी, उनकी कैबिनेट में एक ही ट्रॉफी नहीं है, टी20 वर्ल्ड कप आ चुका है 24 में, 11 का वनडे वर्ल्ड कप आ ही चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी आ चुकी है 2013 की, सिर्फ एक ट्रॉफी है जो उनको एक कंप्लीट विनर, मतलब कहते हैं ना कि सब जीतने वाला बंदा, वो बनने से रोक रही है, तो वो WTC फाइनल की ट्रॉफी, लाइफ की सर्कल कंप्लीट हो जाएगी वहां पे। हाँ, मतलब एटलीस्ट क्रिकेट की सर्कल, वो जो मैसी वाला सीन था ना कि एक ही मतलब कोपा अमेरिका जीत लिया, कुछ जीत नहीं पा रहे थे, वो जीतने के बाद वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर पूरा वर्ल्ड कप में जीत गए, फिर उधर आके इधर वर्ल्ड कप जीता, या आपको फ्रांस को बीट करके फाइनल में, तो उनका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद वो चाहे सऊदी अरब में खेलें या फिर दुबई में खेलें, डबलिन में खेलें, जहां उनका मन करे खेलें, अब उनका काम हो चुका है। Exactly. तो उसके बाद यही विराट कोहली का रहेगा, एक बार अपना वो ये 100 शतक, ये रिकॉर्ड्स, ये सब धरे रह जाते हैं अंत में। भैया मैटर वही करता है कि आप देश के लिए कितनी ट्रॉफियां लेके आए थे, इतने रिकॉर्ड्स के बाद, रन तो सब कर रहे हैं, सबसे तेज 2000-3000 रन का नाम विराट कोहली की जगह बाबर आजम के नाम है, कितनी ट्रॉफियां हैं उनके कैबिनेट में, मैं ये जानना चाहता हूं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफियां छोड़िए, मैं कहता हूं कितने इंपॉर्टेंट पारियों में उन्होंने इनफैक्ट अब तो छोटी टीमों के अगेंस्ट भी इंपॉर्टेंट मैचेस में रन नहीं आते, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये बंदा एक ही है। आप दुनिया के किसी भी खिलाड़ी की बात कर लीजिए, लेकिन जहां विराट खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन एक अलग बन जाती है। बिल्कुल जी, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये कुछ डायलॉग विराट कोहली के लिए बिल्कुल है। और नो डाउट पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मानते हैं विराट कोहली कितने बड़े सुपरस्टार हैं, और हर देश में जाके रन बनाना ये अलग एक बात है, और ऑस्ट्रेलिया तो कुछ खास ही पसंद है इस खिलाड़ी को। विराट कोहली के फॉर्म पे तो अच्छी बात है, नजरें रहेंगी, लेकिन कहीं सवाल हमारा ये, हम स्टिक करेंगे सवाल पे ही कि भाई जो पर्थ के हीरो थे उनमें से कोई भी हो, बीट एनीवन, जितने भी हीरो थे पर्थ टेस्ट मैच के, कहीं रोहित शर्मा जो कि नियमित कप्तान है आपके, उनके वापस आने के बाद इनमें से, इन हीरोज में से कोई भी एक एडिलेड टेस्ट से बाहर ना हो जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, दूसरा टेस्ट मैच है। अगर भारतीय टीम एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट जीतती है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, दूसरी चीज 2-0 से आप सीरीज में आगे हो जाएंगे, और 2-0 की लीड आते ही मुझे लगता है फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए कमबैक का कोई भी रास्ता नहीं बच जाएगा, टीम इतनी डाउन एंड आउट हो जाएगी कि अगले 3 टेस्ट मैच जल्दी से बीत जाए इस चीज का इंतजार शायद करेगी। लेकिन
ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा कमबैक करती है, फाइट बैक करती है, और जब जब आप अंडरडॉग से अपने वो अंडरडॉग बन के खेलते हैं तब तब उन्होंने एक बहुत तगड़ा चैलेंज दिया और ऊपर निकल के आए, शायद इसीलिए इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जिसकी हम बात करते हैं वो कमाल का है। उम्मीद करेंगे कि एक बढ़िया टेस्ट मैच देखने को मिले, लेकिन उम्मीद ये भी करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे एडिलेड में जीत हो टीम इंडिया की। खैर, इस पूरे सीरीज पर हमारी नजरें जो है वो लगातार बनी रहेंगी, किस तरीके से टेस्ट मैचेस होते हैं, सारी अपडेट्स सीरीज से जुड़ी हुई आप तक लेके आएंगे, प्रैक्टिस मैच भी खेला जाना उसके पहले पिंक बॉल से दो दिन का, उस पर भी नजरें रहेंगी, सारी अपडेट्स सारी खबरें जो भी हैं हम आप तक लाते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि स्पोर्ट्स नाइन को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमें मोटिवेशन जो है वो मिलती रहे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, मुझे और मेरे साथी दीपेश को आप इजाजत दीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।